जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सभी विपक्षी पार्टियां अपने अपने चुनाव की रणनीति में जुट गई हैं। इसी क्रम में नगर पंचायत शंकरगढ़ के नारीवारी रोड सुभाष वस्त्रालय के पास से सपाइयों ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं 12264 विधानसभा से संभावित उम्मीदवार विमलेश राकेश व सपा जिला सचिव शैलेन्द्र यादव की अगुवाई में संविधान लोकतंत्र किसान बचाओ अभियान के तहत बड़ी साइकिल यात्रा निकाली है, जिसमें 12 विधानसभा क्षेत्र की बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े सपा नेता एवं अधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर सपा नेता विमलेश राकेश ने कहा कि भाजपा सरकार को किसानों का दर्द और परेशानी नहीं दिख रही। किसान आज परेशान है। 5 वर्ष पहले सरकार का नारा था कि पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। आगे कहा कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ रही है, प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल है। समाजवादी कार्यकर्ता व प्रदेश की आम जनता ने इस बार विधानसभा के चुनाव में निश्चित है समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत दिलाकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाने जा रही है, तभी 12 क्षेत्र का ही नहीं पूरे प्रदेश का विकास संभव हो सकेगा। इस साइकिल यात्रा में जिला कार्यकारिणी सदस्य अरविंद मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा, जिला कार्यकारिणी सदस्य कामत प्रताप सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुलाब कली, जिला सचिव शैलेन्द्र यादव, विमलेश राकेश, वरिष्ठ सपा नेता एवं संभावित उम्मीदवार 12 विधानसभा लाल साहब यादव, प्रमोद पटेल, राजकुमार तिवारी, अंशुमान सिंह, महेश सिंह, पप्पू तिवारी, पंचेश्वर त्रिपाठी, मुलायम सिंह यादव, अनीश खान, विधानसभा सचिव, मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र सिंह, अतुल प्रकाश यादव, सत्यम त्रिपाठी, सूरज यादव सहित सैकड़ों सपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। यूपी के प्रयागराज जिले से नावेद खान की रिपोर्ट। आज की साइकिल यात्रा का उद्देश्य क्या था? देखिए, हम जनता को जागरूक लगातार कर रहे हैं कि प्रदेश में जिस तरह जंगल राज फैला हुआ है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, महंगाई अपने चरम पे है, घर के चूल्हों में आग कम, और यहाँ के आम आदमी जनहित आम आदमियों की जेबे में ज्यादा गर्मी है, बच्चों के पेट की भूख नहीं शांत हो रही है, माताएं आधा पेट बच्चों को परिवार को खिला के सुलाती हैं और रात में रोती हैं। इस तरह से व्यापक भ्रष्टाचार और जन विरोधी सरकार को उखाड़ने के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जैसा कि आप संभावित प्रत्याशी हैं और क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं, आपको क्षेत्र के कौन से मुख्य मुद्दे नजर आए, यहाँ क्या परेशानियां नजर आई? सबसे पहले मैं साफ कर देना चाहते हूँ, मैं एक आवेदक हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ। लोकतंत्र में और संविधान ने यह अवसर दिया कि यह सीट सुरक्षित है और मैं उस वर्ग से आता हूँ, इसलिए मैंने आवेदन किया। जहाँ तक समाजवादी पार्टी के सिपाही की तरह के तौर पे मैं हाँ हर क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। यहाँ की मुख्य समस्याएं तो बहुत है, सड़कें ऐसी हैं कि मालूम ही नहीं चलता है कि सड़कों पर गड्ढे हैं कि गड्ढों पर सड़क बनी है, और ये दुर्भाग्य है कि इसी जिले से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री आए हैं और ये हर चौराहों पे अपना नारा लगाते हैं गड्ढा मुक्त सरकार, गड्ढा मुक्त सड़कें मुझे तो नहीं दिख रही हैं। आप भी क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, आप पत्रकार बंधु, कहीं आपको दिखता है? हाईवे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो PPP रोल मॉडल के अंतर्गत अन्य उसमें बांटी गई है। यहाँ का मेन समस्या हमेशा रही है कि यहाँ का मेन व्यवसाय रहा है खनन, जो कि विगत लगभग 10 वर्षों से खनन बंद हो गया है। इस वजह से यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पलायन कर गए। अगर आपकी सरकार बनती तो आप उस पर क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमें जो मुझे जो ज्ञात हुआ है कि NGT के तहत ने यहाँ के उसके खनन पे रोक लगाई है। हम उस फाइल को फिर से खुलवा के NGT में दोबारा पुनः पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो उनकी ऑब्जेक्शन है उसका सही रूप उनके सामने पेश करके दोबारा यहाँ खनन चालू हो, जैसे यहाँ के लोग पलायन करने पे ना जाए, यहाँ के गरीब लोगों को रोजगार मिल सके। अगर आप विधायक बनते हैं तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ के लिए क्या होगा? देखिए, विधायक मैं ये तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा किसको टिकट मिलता है, मगर मैं ये आश्वस्त करता हूँ अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ पे सड़कों का जो है जो गड्ढे मुक्त सड़कें देंगे, पेयजल की सुदृढ़ व्यवस्था और रोजगार सबसे बड़ी चीज है, रोजगार यहाँ के लोगों का रोजगार और यहाँ के व्यवसायियों का जो उत्पीड़न हो रहा है और जो लोग शोषण कर रहे हैं पुलिस विभाग और सरकारी महकमे, उनको ये रोक लगाने और अंकुश लगाने का काम किया जाएगा।